नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन दोस्तों आज हम एयर इंडिया और बोइंग के बीच में जो डील हुई है उसके बारे में तो बात करेंगे ही इसी के साथ साथ इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप के बारे में भी एक ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं तो खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब के बीच में एक टेलीफोनिक कन्वर्जेशन हुई और दोनों नेताओं ने ये जो एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है जो एयर इंडिया ने बोइंग के साथ साइन किया है और इसमें यह है कि एयर इंडिया जो है वो बोइंग बोइंग जो है ये यूएसए की कंपनी है और एयर इंडिया हस्बिनों के हम देश की कंपनी है टाटा की कंपनी है तो टाटा जो है वो बेसिकली बोइंग से बहुत सारे खरीदने वाला है और इसी डील के बारे में दोनों नेताओं ने टेलीफोन पर एक दूसरे को बताया बिटवीन एयर इंडिया एंड एक शाइनिंग एग्जाम्पल है कि दोनों देशों के बीच में जो कोऑपरेशन हो रहा है राइट ये म्यूचुअली बेनिफिशियल है यानी कि दोनों देशों के हित में होने वाले बहुत सारे एरियाज में यूएसए और इंडिया जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं कोऑपरेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है और ये जो डील है इस डील की वजह से दोनों देशों में नई जॉब्स जो हैं वो भी जनरेट होने वाली हैं हमारा जो पीएमओ है यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो है तो उसका स्टेटमेंट ये आया है कि मिस्टर मोदी साहब ने एक बहुत ही अच्छी बहुत ही वॉम और प्रोडक्टिव डिस्कशन की मिस्टर बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस से यह स्टेटमेंट आया है कि बोइंग और एयर इंडिया के बीच में जो डील हुई है इसमें एयर इंडिया जो है वो बोइंग से 220 हंड्रेड खरीदने वाला है दोनों लीडर्स ने इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बातचीत की और कहा कि दोनों देश जो हैं वो इस इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर संतुष्ट हैं और कहा कि दोनों देशों के बीच में जो uh, जो कोऑपरेशन है वो अलग अलग क्षेत्र में लगभग सारे क्षेत्र में रोबस्ट ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल रहा है ट्यूसडे की बात है दोस्तों जब एयर इंडिया ने ये अनाउंस किया कि वो टोटल 470 एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है इससे पहले की हमारी जो डिस्कशन है तो उसमें हमने एयरबस और एयर इंडिया के बारे में बात की थी एयरबस जो है ये फ्रांस की कंपनी है तो एक वीडियो जो है वो इसको लेकर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है तो वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा राइट इट्स अबाउट एयर इंडिया एंड एयरबस डील और अभी जो हम बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट एयर इंडिया एंड बोइंग डील तो इसमें यह है कि टू ये फोर जो टोटल एयरक्राफ्ट है ना उसमें से 260 जो है ये वाइड बॉडी प्लेन्स होंगे यानी कि बड़े प्लेन्स होंगे तो ये एक साथ ज़्यादा पैसेंजर्स को कैरी कर सकते हैं डोमेस्टिक लेवल पर तो काम आएंगे ही इंटरनेशनल फ्लाइट में भी एयर इंडिया जो है वो इनका इस्तेमाल करने वाली है और जो बोइंग है बोइंग का एक स्टेटमेंट ये आया है कि आने वाले दो दशक में भारत को 2210 जितने एरोप्लेन्स की ज़रूरत होने वाली है और ये जो 2210 एयरक्राफ्ट हैं इसमें से 1983 यूनिट्स जो हैं ये सिंगल आइल जेट्स होंगे सिंगल आइल जेट्स यानी कि ये रीजनेबली मीडियम साइज के होंगे राइट और बाकी के जो 227 जो हैं ये वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट होंगे तो आपको इससे पता चल जाता है कि लगभग 10 परसेंट जितने एयरक्राफ्ट जो हमें आने वाले दो दशक में चाहिए वो बड़े एयरक्राफ्ट होंगे यानी कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जो है वो एयर इंडिया का बढ़ेगा या फिर ओवरऑल हमारी जो एविएशन इंडस्ट्री है बहुत सारे अलग अलग देशों में नए नए रूट्स जो हैं वो स्टार्ट होंगे या फिर से मुंबई टू लंदन का जो रूट है तो उसमें और ज्यादा फ्लाइट्स जो हैं वो ऐड हो सकती हैं और सिंगल आइल एयरक्राफ्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो लगभग 90% परसेंट जितने जो एयरक्राफ्ट आने वाले दो दशक में जो भारत को चाहिए दे विल बी सिंगल आइल एयरप्लेन्स तो इसका मतलब ये है कि डोमेस्टिक जो ट्रैफिक है वो बढ़ने वाला है राइट और अच्छी खबर ये भी है कि जो 2019 का लेवल था प्री कोविड लेवल जो था उससे ज्यादा अब हमारी डोमेस्टिक कैपेसिटी जो है वो बढ़ने लगी है भारत की जो एविएशन मार्केट है उसकी रिकवरी काफ़ी अच्छी और रैपिड रही है ऐसा डेव स्कूल जो बोइंग के कमर्शियल मार्केटिंग मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फॉर एशिया पैसिफिक उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में बताया है और उनका कहना यह है कि आने वाले ये सात आठ साल के अंदर ये दशक जब ख़त्म होगा ट्वेंटी थर्टी तक तर्ट भारत में जो डिमांड है डोमेस्टिक ट्रैफिक की जो डोमेस्टिक ट्रैफिक के जो आंकड़े हैं वो आने वाले सात आठ साल या फिर एंड ऑफ द डेकेड ये जो है वो डबल हो जाएंगे तो वी नीड मोर प्लेन्स राइट और इसी के साथ जो ग्लोबल ग्रोथ है इस सेक्टर में तो भारत जो है इंडियन कैरियर्स जो हैं तो ये ग्लोबल ग्रोथ को भी आउटपेस करेंगे यानी कि हमारे देश में जो एविएशन सेक्टर हैं उसकी स्पीड कंपेयर टू ग्लोबल ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी होगी सी मोर देन एटी परसेंट ऑफ न्यू एयरप्लेन डिलीवरीज टू दिस मार्केट वुड बी फॉर ग्रोथ दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि जो लगभग आने वाले एटी परसेंट नए एयरोप्लेन है ना इनका इस्तेमाल ग्रोथ के लिए होगा दैट मीन्स के नए नए रूट्स के लिए इनका इस्तेमाल होने वाला है बाकी का जो ट्वेंटी परसेंट है उनका इस्तेमाल जो पुराने रूट्स हैं वहाँ पर जो पुराने एयरप्लेन्स चल रहे हैं तो उनको रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया जाएगा तो ये कुछ बहुत ही सॉलिड तगड़े स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और कार्गो मार्केट की बात करें तो अभी हमारे देश में कुछ पंद्रह एयरप्लेन्स जो हैं वो कार्गो सेक्टर के लिए चल रहे हैं ट्वेंटी तक एटी एयरोप्लेन्स जो हैं वो कार्गो सेक्टर के लिए हमारे देश में उड़ेंगे सो दिस आर द थिंग्स अबाउट ये

mission life and uh, enjoy your studies god bless you this is prashant Mahavani signing off jai hind